सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः श्रीकृष्णाय वयं नमः सच्चिदानंद रूपाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जिनका रूप सच्चिदानंद है ऐसे श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। सच्चिदानंद क्या होता है? बोले इस एक शब्द में तीन शब्द हैं। सद शब्द का मतलब होता है जिसका कभी भी विनाश नहीं होता। वो भगवान के अलावा ऐसा कौन है जिसका कभी विनाश नहीं होता? दुनिया में जो कुछ भी दिखता है, जिस किसी को भी सूंघ सकते हो, जिस किसी को भी स्पर्श कर सकते हो, जो कुछ भी दिखता है, ये सारी चीजें जिसको भी सुन सकते हो, ये सब कुछ कभी ना कभी मिटने वाला। लेकिन परमात्मा है। देखिए, आंखें परमात्मा को नहीं देख सकती, परमात्मा की कृपा से आंख दुनिया को देखती है। परमात्मा सूंघा नहीं जा सकता, परमात्मा की कृपा से नाक सूंघ सकती है। परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता, परमात्मा की कृपा से ये हाथ किसी को छूता है। ये इंद्रियां परमात्मा को पकड़ नहीं सकती, लेकिन परमात्मा की कृपा से ये इंद्रियां काम करती हैं। भगवान की कृपा से आंख देख रही है, क्योंकि आंख जिस जिसको भी देख सकती है वो कभी ना कभी मिटेगा, और भगवान है कि वो कभी मिटना नहीं है। घड़ा फूट जाता है, कुम्हार तो बैठा होता है, घड़ा फूट जाता है, माटी कहां जाती है? कहीं भी नहीं। सोने के कंगन को गला देते हो, सोना कहां जाता है? कहीं नहीं, वहीं रहता है। उस तरह से सब कुछ मिट जाता है जो आंखें देख सकती हैं, लेकिन आंखें जिसको नहीं देख सकती, या आंख के अलावा भी जो है, आंख जिसको देख सकती है उसके अलावा भी जो है वह भगवान है, परमात्मा। इसका आकाश के साथ थोड़ा सा संबंध समझे। आकाश क्योंकि नापा नहीं जा सकता, इसलिए भगवान का वह एक उपमा देने लायक है। आकाश जैसे अनंत है, भगवान भी अनंत है। आपने सुना है ना, हरि अनंत हरि कथा अनंता। हरि कैसे हैं? बोले अनंत है, इसका कोई अंत नहीं। तो भगवान सद है, जिसका कभी विनाश नहीं होता वह सद है। अब सालों तक टिकने वाली चीज हो लेकिन जड़ हो, चाइना में वो दीवार है ना, चीन में दीवार है, मोटी दीवार है, और सालों से है और ऐसी बनी है कि सालों तक रहेगी। अब बताओ, वो भी तो सद है, वो भी तो सालों से है, नहीं मिटने वाला, जैसा ही एकदम नहीं मिटने वाला नहीं, लेकिन फिर सालों है। कई चीजें आपने देखी होंगी जो 500 साल से है, कोई चीज है 1000 साल से है, तो वो भी लंबे लंबे समय से है, लेकिन वो भगवान नहीं है। क्यों नहीं है? बोले वो जड़ है, वो दीवार वहां से हट नहीं सकती, और ऐसी यदि बना दो कि हट जाए तो फिर मुश्किल खड़ी हो जाए, है ना। ये आपने ये पंडाल लगाया है, अच्छा है, सालों से लगा होगा, ये हिल नहीं सकता, और ये हिले तो अच्छा भी नहीं ना, हिलना तो नहीं चाहिए। ये जड़ है और भगवान चेतन है। ये नाचता गाता है भगवान, इसका कभी नाश नहीं होता, और ये जड़ नहीं है, ये नाचने गाने वाला है। और तीसरा शब्द है सच्चिदानंद रूपाय,
सच्चिद और आनंद, सद माने कभी जिसका नाश नहीं होता, चिद माने जो चैतन्य से भरा पूरा है, जो नाचता गाता है, और आनंद माने जिसमें आनंद अपने में ही है, जिसमें आनंद बाहर से नहीं आता, जो खुद आनंद स्वरूप है। अपना क्या है, आइए अच्छे अच्छे कपड़े और गहने पहनेंगे तो हमको आनंद आएगा, है ना। अपना आनंद उसमें है, जो आज पहनना था वो नहीं मिला तो फिर देखो नहीं अच्छा लगता, अपना मूड ऑफ हो जाता है। तो हमको कुछ चीजें पहनने से आनंद आता है, कुछ चीज खाने से आनंद आता है, किसी को मिलने से आनंद आता है। भगवान का वैसा नहीं है, भगवान का आनंद कहीं भी कैद नहीं है, हमारा आनंद वस्तुओं में कैद है। वो वस्तु मिले तो आनंद आता है, वो वस्तु नहीं मिले तो हम थोड़े नाराज हो जाते हैं। कुछ खाने को मिले तब आनंद, वो नहीं मिला तो फिर आनंद चला जाए। भगवान का वैसा नहीं है। देखिए बांसुरी बजाई तो कैसी बजाई, दुनिया जानती है भगवान की बांसुरी बजी तो क्या हुआ। बोले गोप वनिताएं, गोपियां, वो अपना सर्वस्व छोड़ करके भाग गई, श्री कृष्ण के पास पहुंची, है ना, उसको भी छोड़ के चले गए थे। ना बांसुरी साथ में लिया था, ना गोपियों को साथ में लिया था, क्योंकि भगवान का जो आनंद है वो उसमें कैद नहीं था। ये नहीं होगी तो मैं आगे का काम नहीं कर पाऊंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भगवान को किसी चीज की या किसी व्यक्ति की आदत नहीं पड़ी, क्योंकि उन्होंने अपना आनंद अपने में रखा। बस ये असल चाबी है, यदि तुम्हारा आनंद तुम्हारे में रहा तो तुम कभी दुखी नहीं होगे। सीधा सा नियम है, याद रख लो भैया, जो आएगा सो जाएगा। कोई कपड़ा पहनने से आनंद यदि आएगा तो जिस दिन वो कपड़ा फटेगा चला जाएगा, उस दिन तुम्हारा आनंद भी, क्योंकि उसमें कैद था, चला जाएगा। कृष्ण भगवान काली कमली रखते थे, गायों को जब चराने जाए तब वो काली कमली भी साथ में नहीं लिया था जब मथुरा चले गए, क्योंकि उनका आनंद उस काली कमली में, उस बांसुरी में, उस गोपी में, किसी में, कहीं भी उनका आनंद कैद नहीं था। इसी वजह से मथुरा वाले कृष्ण का दर्शन करो तो वो भी मुस्कुराते हुए आनंदित हैं। द्वारकाधीश जाकर के वहां भी द्वारकाधीश का दर्शन करो, आपको वे आनंदित ही दिखेंगे। और गोकुल वाला तो वैसे ही नाचता गाता है। परमात्मा के जीवन से आनंद कभी कहीं नहीं गया, ये जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। परमात्मा सच्चिदानंद रूप है, आनंद घट घट करे आनंदा, परमात्मा का आनंद अपने में ही रहा। यदि तुम अपने आनंद को किसी दूसरे में कैद नहीं कर दो तो तुम्हें कभी दुख स्पर्श नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने अपने आनंद को अपने पास रखा है। मिलना जुलना तो सबसे हो भैया, लेकिन कैद कहीं नहीं होए। स्वामी रामकृष्ण परमहंस देव, उनका एक बड़ा प्रसिद्ध उपदेश और बहुत सुंदर उपदेश, बड़ा प्रैक्टिकल सा उपदेश, कहते थे ये शहद पे बैठी हुई मक्खी जैसे मत बनो, शक्कर पे बैठी हुई मक्खी जैसे बनो। हमको लगे महाराज शहद भी मीठा होता है, शक्कर भी मीठी होती है, इसमें फर्क क्या है। बोले ना फर्क है। क्या फर्क है भैया? बोले फर्क यह है कि शक्कर पे बैठी हुई मक्खी जो है वो मिठास का आनंद तो लेती है लेकिन जब चाहे उड़ जाए, और शहद पे बैठी हुई मक्खी जो है वो तो जब बैठी तब पांव चिपके, वो उड़ने की गलती नहीं कर सकती, इच्छा भी नहीं कर सकती, क्योंकि उस कोशिश में उसकी मौत छिपी है। शहद पे बैठी हुई हनी, मध, उस पे बैठी हुई मक्खी की कल्पना करो तुम, जैसे ही बैठी पांव चिप गए। अब मिठास का आनंद तो ले सकती है लेकिन कहीं भी नहीं जा सकती। यदि थोड़ी सी भी उसने कहीं गलती करी उड़ने की तो जो उसके पंख है ना वो उसी में चिपक जाएंगे, और यदि ज्यादा छटपटाने की कोशिश करी तो फिर जो शहद उसको मिठास का आनंद देता था वही का वही शहद उसकी मौत का कारण भी बन जाता है। यह चीज मक्खी के लिए नहीं है, यह आपके और मेरे लिए है।
हम इसको समझें। मौज सबकी लो, हर जगह आनंद में रहने की चेष्टा करो, हर परिस्थिति से फायदा उठाओ, लेकिन चिपकना नहीं। जो चिपकता है मरता है एक दिन, क्योंकि फिर वो शहद मार देता है। अब देखिए, थोड़ी देर पहले वही शहद आनंद देता था, अब वही शहद मारने वाला हो गया। तो यही है संसार का स्वरूप, ज्यादा चिपके तो मरे। रावण को देख लो, जहां भी किसी सुंदर स्त्री को देखा नहीं उठाया, जहां भी देखा नहीं उठाया, एक दिन मरा, किसी ने मरा। हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु जिसके नाम सुन रखे हैं आपने, वो कौन थे? बोले हिरण्य, हिरण्य माने सोना, उस पर अक्ष आंख है जिसकी, इकट्ठा ही करता रहता था। आज वरुण के पास गया, उसको जीत के ले आऊंगा, फलां देव के पास गया, उसको जीत करके धन ले आऊंगा, वहां गया वहां से धन लाऊंगा, इकट्ठा ही करता, सोने पे जिसकी आंख, हिरण्याक्ष। अब कितना सोना इकट्ठा करेगा, एक दिन वही मार देगा। अरे भैया, जो 5,000 कमाते हैं ना, वो शायद 10 रोटी खाते हैं, लेकिन जो 5,00,000 कमाते हैं, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस? तीन पे, दो पे, एक पे आ जाते हैं, और वो भी डॉक्टर साहब ने कहा है बिना घी लगाई हुई खाना, नहीं तो मरा। अब बताओ सुख कहां छिपा है? सदुपयोग करें, श्री कृष्ण से सीखें, लेकिन चिपकना नहीं। न तो बाल बच्चों में चिपकना, न घर में चिपकना, न पति पत्नी में चिपकना, न किसी में चिपकना, लेकिन उस सब का सदुपयोग करना और उससे आनंद लेना। देखिए, दिया जलाओ, हमने अभी दीप प्राकट्य किया है ना, दादी माँ और माँ के हाथ से, और आपने भी किया, सुंदर दीप दीप जला। अब देखिए, उसके प्रकाश में आप अपना काम कर लो। दिया जला है, वो प्रकाश दे रहा है, खुद जल रहा है तुमको प्रकाश दे रहा है। अब उसके प्रकाश में अपना काम करना चाहो कर लो, लेकिन वो छोटे छोटे पतंगे भी तो उड़ते हैं रात में, दिए के चारों ओर लाइट्स में भी देखे होंगे आपने, वो पतंगे उड़ते हैं, वो क्या करते हैं, उसके ही इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। यदि थोड़ा सा भी उसको टच कर गया, वही जल जाएगा, वही का वही उसी क्षण जल जाएगा, मर जाएगा। यही स्वरूप है संसार का, इसका सदुपयोग कर लो, इसके प्रकाश में अपना काम बना लो। लेकिन श्री कृष्ण के जीवन को देखो, चिपके कहीं भी नहीं, पतंगे कहीं भी नहीं बने, और इस वजह से उन्होंने अपना काम अच्छे से कर लिया, और फिर देखिए कैसे निकल गए इस संसार से। श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण का ही चरित्र है, ज्यादातर करके हमको उन्हीं की बातें सुननी समझनी है। सभी अवतारों की बातें आएंगी, राम जी की बात इसमें है, वामन जी की है, नृसिंह भगवान का चरित्र यही है, और सब भगवान का चरित्र इसमें, परशुराम जी का, राम जी का, सबका है, लेकिन मुख्यतः श्री कृष्ण की बातें हैं। और वो इसीलिए है कि प्रेम से नाचते गाते हुए आनंद पूर्ण जीवन कैसे जिया जा सकता है, और इस तरह से भी हम यहां से बिना चिपके कैसे निकल सकते हैं। कबीर साहब का एक दोहा है, कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर। कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर। कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर। ना काहू से दोस्ती, ना किसी से बैर कबीरा, ना काहू से बैर। ना काहू से दोस्ती, ना काहू
काहू से बैर कबीरा, ना काहू से बैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर कबीरा, ना काहू से बैर। परमात्मा श्री हरि से यही सीखना। खड़े हैं बाजार में, खरीदार नहीं है। जो जिस भाव से सामने आया, गोपी को माखन खिलाना था इसलिए कृष्ण ने खाया, कंस को लड़ना था मरना था इसलिए मरा। भक्त का भाव कैसा है इसका बड़ा महत्व है। भगवान तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा तुम चाहते हो। भगवान कैसे हैं ये सवाल नहीं है, तुमको भगवान कैसे चाहिए ये सवाल। कोई पूछे भगवान कैसे हैं, सीधा जवाब है भगवान है पानी जैसे। लोटे में भर लो, लोटे का आकार हो जाएगा, थाली में डाल दो थाली का आकार क्यों हो जाएगा। सबरी जी के पास बैठते हैं, झूठे बेर खाते हैं, और रावण के सामने जाते हैं तो एक साथ 31 बाण चढ़ा के मारते हैं। भगवान कैसे हैं कोई सवाल नहीं, हमको भगवान कैसे चाहिए। तो श्री कृष्ण का ही मुख्य चरित्र है इसमें, और उसी को हमको देखते हुए चलना है, इसी तरह से यात्रा करनी है। सच्चिदानंद रूपाय, परमात्मा सच्चिदानंद रूप वाले हैं। सद का मतलब जो हमेशा रहते हैं, जिसका कभी नाश नहीं, जो अनंत है, लेकिन वे जड़ नहीं है, चैतन्य से परिपूर्ण है, और उनका आनंद उनके अपने में ही है। गोकुल से चलते हुए कन्हैया को देख करके गोपियां तो रो रही थी, लेकिन श्री कृष्ण रो रहे थे ऐसा इसमें लिखा नहीं है। आनंद पूर्ण जिनका चरित्र है वही श्री कृष्ण है। विश्व की उत्पत्ति स्थिति लय करते हैं भगवान, दुनिया को बनाते हैं चलाते हैं, और एक समय आता है सब फिर मिटा भी देते हैं। परमात्मा सृजन करते हैं, लेकिन परमात्मा को सृजन में मोह नहीं है। परमात्मा पालन करते हैं, लेकिन उनको इसमें अहंकार नहीं है, और कभी लय भी कर देते हैं लेकिन रोते नहीं है। जीव में और भगवान में यह फर्क है। हमारा सर्जन हमको अभिमानी बना देता है, हमको उसमें मोह कराता है। छोटी सी रंगोली बनाई हो आपने, कितना ध्यान रखते हैं कोई उसको खराब ना कर दे। सर्जन में मोह है ना। वो पांच लोगों के परिवार का पुरुष लोग यदि पालन करते हैं, पैसा कमा के लाते हैं, कितना अहंकार होता है। जब मैं घर में आऊं तो एकदम शांति हो जानी चाहिए, होता है ना। ये क्या है, बोले ये अहंकार है। पांच लोगों के पालन करने वाले में भी अहंकार होता है। परमात्मा ने इस विश्व का सृजन किया है, कहीं अहंकार का लेश नहीं। परमात्मा हमारा सृजन करते हैं लेकिन मोह नहीं है। वे पालन करते हैं लेकिन कहीं भी अहंकार नहीं, और एक दिन सब मिटा भी देते हैं, लेकिन कहीं भी रोना धोना शोक नहीं। द्वारका डूब रही थी, श्री कृष्ण शांति से बैठे, कहीं रोग शोक नहीं, कहीं शोक की बात नहीं, कहीं रोना धोना नहीं। विश्वोत्पत्ति आदि है तवे परमात्मा श्री हरि, परमात्मा श्री हरि जैसे ही हैं उनके जैसा कोई नहीं। ये नदियां, ये पहाड़, ये पेड़ पौधे, किसी दो पत्ते को मिला दो एक जैसे नहीं दिखेंगे, इतना विविध उनका सृजन और किया है उन्होंने। लोग कहते हैं ऐसे ही हो जाता है, ऐसे ही कुछ नहीं होता है, ऐसे ही कुछ भी नहीं होता है, इसको करने वाला कोई है। कब तक नहीं मानते, बोले जब तक कुछ ऐसा प्रमाण नहीं मिलता तब तक नहीं मानते। जैसे शास्त्रों में लिखा है ना, भगवान राम पुष्पक विमान में उड़ करके आए थे अयोध्या। अब बताइए राम भगवान पुष्पक विमान में बैठकर आए, ये बात कब तक भेजे में नहीं उतरी, बोले जब तक वो सही वाले विमान नहीं बन गए। अब जैसे ही विमान बन गए, अब तो फ्लोर होने लगे उसमें, डबल डेकर भी आता है, तो वो जैसे ही बनने लगे तो अब हम सुनते हैं कि भगवान राम विमान में आए तो हमको कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं उसके साथ, कि हाँ हाँ विमान तो होते हैं, लेकिन जब तक नहीं बना था अपने भेजे में वो बात नहीं उतरती थी। बस उसी तरह से ये पूरा विश्व किसी एक परमात्मा का बनाया हुआ है,
वो हमारे दिमाग में उतना उतरता नहीं, क्योंकि इतना हम नहीं कर पा रहे। आपने देखा है प्रयोगशालाओं में क्या क्या नहीं बन जाता, लेकिन एक वृक्ष का सही वाला जो नेचुरली उगा हुआ पत्ता है, एक पांदड़ो एनाथी नथी बनतू लियो, नहीं बनावी सके, फ्यूचर में नहीं बनावी सके। कुदरती रीते जे थई सके कुदरती रीते थाय, एने गमे तेटला प्रयोगशालाओं में मेहनत करवामां आवे ए ना थाय। देखो मुझे ठीक से ध्यान है वो कि ये कथा हिंदी में है, लेकिन मेरी मर्जी, मैं जिस किसी के सामने देखूंगा वो गुजराती होगा तो हो सकता है कि मैं उसको कहने के लिए दो शब्द गुजराती में बोल दूं। सो क्या है, आपको भी थोड़ा बहुत गुजराती आ जाए तो ये भी फायदा ही है ना, इसमें क्या बुराई है। तो हो सकता है कि कभी मेरा मन करे तो कुछ मैं अपनी भाषा में भी बोलूं। और मीठी भाषा है ना, मीठी भाषा है ना, क्योंकि सब जानते हैं इसमें है की जगह छे लगा तो हो गया गुजराती। अपने आप जो परमात्मा का सर्जन हुआ, उसके सामने कोई वैज्ञानिक कुछ नहीं कर पाएगा, कभी भी नहीं कर पाएगा। आंख का आंसू निकलता है, अब आंख से पानी निकल सकता है, लेकिन आंसू और पानी में फर्क है। ऐसे अब ये बाम आता है, ये वो लगाना तो यहां होता है, यही लगाते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी उसकी असर हो जाती है तो आंखों से पानी निकल। अब वो पानी कहा जाता है, और रोते हैं या तो संसार रुलावे या तो भगवान की याद में कभी आंख में आंसू आ जाए, तो वो बाम के कारण निकलता है, उसको हम पानी कहते हैं। और भगवान की याद में आ जाए तो फिर उसको हम आंसू कहते हैं, संसार रुलावे तो उसको हम आंसू कहते हैं। वो आंसू जो है वो कुदरती रूप से ही निकलते हैं, उसको हम प्रयोगशालाओं में नहीं बना सकते। तो जब तक हमने विमान नहीं देखे थे, इसमें लिखी हुई बातें हमारे मन में नहीं बैठती थी, हमारे दिमाग में नहीं उतरती थी। अब हमने देख लिया तो बन गई है, ये बातें उतरने लगी हैं हमारे मन में। बस उसी तरह से इस संपूर्ण विश्व का रचयिता परमात्मा है, वह भी जिस दिन दिमाग में उतर जाएगा उतर जाएगा। उस परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं, क्यों करते हैं, तापत्रय विनाशाय, हम तीनों तापों का विनाश हो जाए इसलिए, नहीं तो विनाश काय होना चाहिए। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूप वाले को विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति आदि के हेतु हैं उनको, लेकिन तापत्रय विनाशाय, नहीं तो विनाश काय होना चाहिए। तो तीनों तापों का विनाश हो जाए इस हेतु हम लोग श्री और कृष्ण दोनों को प्रणाम करते हैं। शक्ति समेत पुरुष को प्रणाम है, श्री नहीं हो तो कृष्ण काहे का, राधा बिना माधा आधा, श्री कृष्ण आधे अधूरे हैं यदि श्री राधा जी नहीं है, रघुनाथ जी आधे अधूरे हैं यदि श्री जानकी जी साथ में खड़ी नहीं है। इसलिए श्री सहित कृष्ण को प्रणाम करते हैं, क्योंकि वे उनकी शक्ति है। शक्ति समेत पुरुष को प्रणाम है, क्योंकि वो उसी से हमारा काम चलेगा। वयम नुमः कहा, इसका मतलब हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। तो मंगलाचरण का यह जो श्लोक है, इसमें जगतगुरु को नमस्कार है।